क्या नाम है माताजी आपका? सुशीला भाई। सुशीला भाई माताजी का नाम है। मैं माताजी से बदले सर से बात करना चाहूंगा। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? सुभाष रघुवंशी। सर जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं झगला का रहने वाला हूँ, सिवनी मालवा में रहता हूँ जी। और अभी माता जी कहाँ के रहने वाली है? माता जी जमानी गांव की, ग्राम जमानी की रहने वाली है। ये सिवनी मालवा तहसील में आता है, बेगनिया जमानी गांव है जी। क्या समस्या थी सर आपके यहाँ पे? सर ये माता जी को हार्ट में 3 नसें ब्लॉक थी जी, तो डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था। कब की बात है ये? सर 1.5-2 साल पहले की बात है। अच्छा अच्छा, हाँ। इसके बाद जब नहीं तो आपने इनका इलाज भी मतलब के लिए कहीं लेके गए थे? हाँ, इलाज के लिए इंदौर लेके गए थे, तो इंदौर में डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया जांच करने के बाद जी। तो लेकिन हाँ, उम्र ज्यादा होने के कारण आपने नहीं करवाया। हमने नहीं करवाया। माता जी को आज से 1.5-2 साल पहले हार्ट की प्रॉब्लम बताई थी, हार्ट में 3 नसें ब्लॉकेज बताई थी, और जिस प्रकार से इनकी एज है उस प्रकार से मतलब ये ऑपरेशन संभव नहीं था। तो फिर सर आपने ऑपरेशन नहीं करवाया? हाँ, नहीं करवाया। उस समय वापस आ गए जी, और वापस आने के बाद कार्डियोडॉग सर ने दी है। और जितना मैं जानता हूँ ये लॉकडाउन के देखिए 2 महीने पहले, ये लॉकडाउन के 1 महीने पहले। अच्छा, मतलब जनवरी में, करीब जनवरी या फरवरी में दिए थे जी। तो जनवरी और फरवरी में दिए थे, और उस समय किस्मत की बात है कि बाद में फिर लॉकडाउन लग गया, तो सिर्फ 5-5 ml ही पर डे यूज किए थे माता जी ने शायद, है ना जी। और उसमें कितना आराम लगा इनको? इसमें इसके बाद उनको ना कोई अटैक आया और ना कोई तकलीफ हुई, तभी से ओके हैं, आज भी ओके हैं। अच्छा, मतलब लगभग आज 6 महीने होने पे आ रहे हैं, सिर्फ एक ही डोज लिया है 1 ही महीने का, और उस 1 महीने के डोज को 5-5 ml करके 1.5-2 महीने चलाया माता जी ने। और क्योंकि गांव क्षेत्र में लॉकडाउन लगने के कारण 2 महीने का कोर्स नहीं पहुंच पाया था, लेकिन ये आयुर्वेद की ताकत है, एसलीपीएस के प्रोडक्ट की ताकत है कि उस 1 महीने के डोज में भी ऐसा आराम लगा है कि ना दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ा है, और वो ब्लॉकेज भी लगभग सारे क्लियर हो गए हैं। तो थैंक यू कहना चाहूंगा मैं इस एसलीपीएस कंपनी के आयुर्वेद को, जिन्होंने हमारे कंपनी के एमडी साहब मिस्टर संजीव कुमार सर ने इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए कि आज गांव-गांव हर जगह जाकर हम इसकी सेवाएं प्रदान कर पा रहे हैं। तो थैंक यू सर।